क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 60, 61, 62 और 63 विदाउट एनी रिलेशन, अगर आप कोई भी इनकम क्या हो रहा है किसी और के बिहाफ में रिसीव कर रहे हैं विदाउट एनी इनकम क्या हो रहा है, इनकम की क्लबिंग हो रही है, ठीक है, विदाउट एनी रिलेशन अगर इनकम की क्या हो रही है, क्लबिंग हो रही है, तो उस पर कौन से सेक्शन अप्लीकेबल होते हैं, सेक्शन 60, 61, 62 और 63। इसमें दो कैटेगरीज होते हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, ओनली इनकम ट्रांसफ़र हो रहा है, या तो फिर बोथ असेट्स और इनकम दोनों क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर सिर्फ और सिर्फ इनकम ट्रांसफ़र हो रही है तो किसके हाथ में क्लब होगा, और अगर असेट्स और इनकम दोनों ट्रांसफ़र हो रहा है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किसके हाथ में क्या होने वाला है, क्लब होगा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ इनकम इज़ ट्रांसफर्ड विदाउट एनी ट्रांसफरिंग दी असेट्स, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी इनकम होने वाला है वो क्लब हो जाएगा किसके हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में। जो ट्रांसफ़र कर रहा है इनकम उसके हाथ में इनकम क्या होने वाला है, टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ इनकम ट्रांसफ़र हो रहा है तो जो इनकम रिसीव हो रहा है वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ट्रांसफरर के हाथ में, जो क्या कर रहा है, इनकम ट्रांसफ़र कर रहा है। लेकिन अगर असेट्स और इनकम, मतलब सिर्फ असेट्स और इनकम दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वेयर बोथ असेट्स एज वेल एज इनकम इज जनरेटिंग सच इनकम आर ट्रांसफर्ड। देखो, या तो अब दो केस हो सकते हैं, अगर असेट्स जो है आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, उसकी वो चेक करने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो असेट्स ट्रांसफ़र हो रहा है क्या वो असेट रिवोकेबल है। रिवोकेबल इन द सेंस कि फ्यूचर या फिर लेटर पॉइंट ऑफ टाइम जो असेट्स आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसे आप वापस ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, या फिर वो इरिवोकेबल है कि एक बार आपने असेट दे दिया उसके बाद वो असेट्स आपके पास आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह कैसे देखेंगे, वेयर बोथ असेट्स एज वेल एज इनकम जनरेटिंग सच असेट्स आर ट्रांसफर्ड, अगर वो रिवोकेबल है यानी कि आप उसे फ्यूचर में ले सकते हो तो वो किसके हाथ में ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफरर के हाथ में, टैक्सेबल होगा। लेकिन इफ़ इट इज़ इरिवोकेबल, मतलब एक बार आपने असेट ट्रांसफ़र कर दिया तो अब जो दूसरा पर्सन है जो ट्रांसफर ही है वो असेट का खुद ओनर हो गया। अब जब ओनरशिप ही ट्रांसफरर के हाथ में नहीं है तो वो इनकम उसके हाथ में क्यों टैक्सेबल होगी, समझ रहे हो। मान के चलिए मिस्टर ए हैं, ठीक है, ये किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं और ये बी हैं, ठीक है, इन्हें असेट्स भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है और साथ साथ इनकम भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है, असेट्स भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है और साथ साथ इनकम भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि जो असेट्स ट्रांसफ़र हुआ है, ये जो असेट ट्रांसफ़र हुआ है ये रिवोकेबल है या इरिवोकेबल है। इफ़ इट इज़ रिवोकेबल, मतलब फ्यूचर में कुछ समय बाद आप वो असेट वापस ले सकते हो, मतलब क्या अभी भी मिस्टर ए इस असेट्स के ओनर है, मतलब अगर फ्यूचर में वो चाहे तो मिस्टर बी से क्या कर सकते हैं, वो असेट्स वापस ले सकते हैं, मतलब अभी भी उस असेट्स पे, इस असेट्स पे मिस्टर ए की ओनरशिप है। तो जो भी जो रिवोकेबल असेट होता है उसकी वो जो इनकम है, अगर वो फ्यूचर में अगर असेट्स वापस मंगा सकते हैं, मतलब वो अभी भी ओनर हैं, तो जो इनकम होगा वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, मिस्टर ए के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर जो ये जो असेट्स ट्रांसफ़र हो रहा है ये फ्यूचर में भी आप अब मिस्टर बी से मंगा नहीं सकते, मिस्टर ए अब फ्यूचर में मिस्टर बी से वो असेट मंगा नहीं सकते, मतलब ये असेट्स के अब रियल ओनर कौन हो गए, मिस्टर बी अब रियल ओनर हो चुके हैं, ठीक है, इरिवोकेबल हो गया, मतलब क्या अब मिस्टर ए की ओनरशिप उस असेट्स पे से, इस असेट्स पे से क्या हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। तब अब जब मिस्टर बी उस असेट्स के ओनर हो चुके हैं तो जो इनकम उस असेट से ट्रांसफ़र होगी तो ऑब्वियसली वो किसके हाथ में ट्रांसफ़र होगी, मिस्टर बी के हाथ में ट्रांसफ़र होगी। तो यही चीज़ ये बोल रहा है कि वेयर बोथ असेट्स एज वेल एज इनकम इज जनरेटिंग फ्रॉम सच असेट्स इज ट्रांसफ़र, जो इनकम है और जो इनकम जनरेट होने का सोर्स है, सपोज़ कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, रेंट मिल रहा है, तो रेंट भी ट्रांसफ़र हो रहा है साथ साथ बिल्डिंग भी ट्रांसफ़र हो जा रही है, दोनों चीज़ें, मतलब जो इनकम है, इनकम दैट इज़ रेंट, और असेट्स मतलब क्या, बिल्डिंग, दोनों के दोनों ट्रांसफ़र हो जा रही है। तब हम क्या चेक करेंगे कि जो बिल्डिंग है, ठीक है, तब हम क्या चेक करेंगे कि इट इज़ जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो बिल्डिंग फ्यूचर में वापस मिल सकती है, रिवोकेबल है क्या, जो मिस्टर ए है वो बिल्डिंग को फ्यूचर में ए से बी से मांग सकते हैं, अगर हाँ तो अभी भी मिस्टर ए का ओनरशिप है, ठीक है, मतलब रिवोकेबल मतलब क्या, अभी भी मिस्टर ए की ओनरशिप है उस पर, तो इनकम किसके हाथ में क्लब होगी, मिस्टर ए के हाथ में ही क्लब होगी। इफ़ इट इज़ इरिवोकेबल, मतलब अब मिस्टर ए का उस बिल्डिंग पे कोई अथॉरिटी नहीं बचा हुआ है, अब एक्चुअल ओनर कौन हो गए, मिस्टर बी हो गए हैं, तो मिस्टर बी अगर एक्चुअल ओनर हो गए तो यहाँ पे क्लबिंग की प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगी, और जो भी उस बिल्डिंग से इनकम होने वाली वो डायरेक्टली किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, मिस्टर बी के हाथ में, क्यों, क्योंकि वो अब एक रियल ओनर हो चुके हैं और वो जो भी बिल्डिंग ट्रांसफ़र हुई है वो इरिवोकेबल है, मतलब फ्यूचर में अब मिस्टर ए उस बिल्डिंग को मंगा नहीं सकते, वापस नहीं ले सकते, ठीक है। तो यही बोलता है सेक्शन 60,
60, 61, 62 और 63 जहाँ पे इन दोनों के बीच में, और दूसरी चीज़ ये है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ही ये इनकी वाइफ है, ना ही ये इनके मतलब ना ही ये इसके स्पाउस है, ना ही चिल्ड्रन है, ना ही कुछ और है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और फिर भी इनकम और असेट्स अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में ये दो चीज़ें अप्लीकेबल होती है कि सिर्फ और सिर्फ अगर इनकम ट्रांसफ़र हो रहा है तो जो इनकम है वो ट्रांसफरर के हाथ में क्या हो जाएगी, ट्रांसफरर मतलब जो कि इनकम ट्रांसफ़र कर रहा है उसके हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर असेट्स और इनकम दोनों के दोनों एक साथ ट्रांसफ़र हो गए हैं तो हम ये चेक करेंगे कि इनकम क्या है, रेंट है, और असेट्स क्या है, बिल्डिंग है, एक एग्जाम्पल के लिए। तो अगर रेंट और बिल्डिंग दोनों के दोनों ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ अब फ्यूचर में आप उसको वापस नहीं मंगा सकते, वो रिवोकेबल नहीं है, तो फिर जो भी इनकम है जो वो इरेवोकेबल है, मतलब आप वापस नहीं मंगा सकते, तो इसमें क्लबिंग की कोई प्रोविजन क्या होती है, अप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन अगर रिवोकेबल है यानी कि आप उसे मंगा सकते हो फ्यूचर में, अभी भी मिस्टर ए की उस पर अथॉरिटी है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में ये किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ट्रांसफरर के हाथ में, किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ट्रांसफरर के हाथ में। और अगर इरेवोकेबल है तो क्लबिंग का प्रोविजन ही अप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब जो जो अब रियल ओनर बन चुका है वो क्या करेगा, अपने हाथों में टैक्सेबल करेगा, ट्रांसफरर के हाथ में ये इनकम टैक्सेबल होने वाली नहीं है।